गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर थ्री फ्रॉम योर साइंस बुक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन विच फर्स्ट प्रॉपर्टी जो केमिकल फर्स्ट रिएक्शन होती है मेटल्स की जो थी मेटल्स की रिएक्शन विद एयर और वी कैन से द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन ये हमने लास्ट टाइम वाली क्लास में पढ़ा था तो जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है मेटेलिक ऑक्साइड और मैंने पिछली बार आपको ये भी बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं मोस्टली मेटेलिक ऑक्साइड्स है बेसिक इन नेचर बट कुछ मेटेलिक ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम जिंक दे आर एम्पोटेरिक और मैंने समझाया अभी था कि एम्पोटेरिक का मतलब ये होता है कि वो सबिस्टेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स द ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर फॉर एग्जाम्पल ए एल टू ओ थ्री एल्युमिनियम ऑक्साइड देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम की देखिए ऑक्सीजन से भी दिखाई सॉरी एसिड से भी दिखाई गई है ए एल टू ओ थ्री प्लस एच सी एल क्या बन रहा है ए एल सी एल थ्री प्लस एच टू यहाँ पे ए एल सी एल थ्री एल्युमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट की तरह काम कर रहा है और नेक्स्ट रिएक्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस एन यानी कि बेस इट गिव्स एन सोडियम एल्यूमिनेट ये भी एक सॉल्ट है एंड प्लस एच तो दोनों ही कंडीशन में सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है इट मीनस ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं दीज टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स इज दैट रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर पानी के साथ रिएक्शन वाटर मतलब एच टू ओ सिंपल फॉर्मूला ये है मेटल प्लस वाटर इससे बनता है मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब जब मेटल कोई भी मेटल पानी से रिएक्शन करता है एच टू ओ से रिएक्शन करता है तो या तो मेटल ऑक्साइड बनता है या मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है एंड उसके अलावा क्या बनती है एच टू गैस हाइड्रोजन गैस और अब इसमें देखो कि कब ऑक्साइड बनेगा और कब हाइड्रोक्साइड बनेगा ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेटल यूज़ कर रहे हैं जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये हाई रिएक्टिव मेटल्स जो है जब ये वाटर से रिएक्शन करते हैं दे प्रोड्यूस मेटलिक हाइड्रोक्साइड ये बनाते हैं मेटलिक हाइड्रोक्साइड लेकिन जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं लाइक एल्यूमिनियम आयरन वन देर रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देखिए आपने दिखाया है इसको एन ए मतलब सोडियम को सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर ये इतने हाई रिएक्टिव होते हैं ये तीनों सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम कि कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाते हैं और दूसरा केस है एल्यूमिनियम आयरन जिंक जो थोड़े मीडियम रिएक्टिव होते हैं ये स्टीम मतलब पानी थोड़ी ये लेस रिएक्टिव है थोड़ा तो ये स्टीम से रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम थोड़ा मीडियम रिएक्टिव है तो ये हॉट वाटर वाट से रिएक्शन कर लेता है एंड कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं ठीक है बिकॉज जो बबल्स जो होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं सरफेस से द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सर्फेस नेक्स्ट है और गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड जो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते वाटर से ओके सो हेयर वी हैव डिस्कसड हाउ डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर ठीक है जो हाई रिएक्टिव है वो नॉर्मली कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं जो मीडियम रिएक्टिव है वो हॉट वाटर से जो और लेस रिएक्टिव है वो स्टीम से और जो बहुत लीस रिएक्टिव है वो रिएक्शन नहीं कर पा रहे ठीक है दिस इज ऑल अबाउट हाउ द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर तो क्या रिएक्शन थी मेटल प्लस वाटर इट गिव्स मेटलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लेकिन जिस केस में मेटलिक ऑक्साइड बनता है उसमें भी बाद में वो हाइड्रोक्साइड बना सकता है द मेटल ऑक्साइड कैन ऑल्सो कन्वर्ट इन मेटलिक हाइड्रोक्साइड बाय रिएक्टिंग विथ मोर वाटर अगर मेटल ऑक्साइड भी पानी से और रिएक्शन कर जाएंगे दे कन्वर्ट इन टू मेटलिक हाइड्रोक्साइड

वी टेक द बर्निंग मैचिस्टिक नियर टू द हाइड्रोजन गैस एंड इट प्रोड्यूस पॉप साउंड यह हमने पहले भी एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा है कंफर्म टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस नाउ विल स्टडी द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स वन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस और लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली डायल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेड एसिड से रिएक्शन नहीं करवानी चाहिए स्पेशली हाई जो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं क्योंकि कंसनट्रेड एसिड से रिएक्शन करने पर वो जो है ज़्यादा इट कैन बी डेंजरस मेटल प्लस डायलूट एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन एग्जाम्पल एफ ई एफ ई को एफ ई प्लस एच सी एल एच सी एल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इट गिव एफ ई सी एल थ्री प्लस सॉरी एफ ई सी एल टू प्लस एच टू एफ ई सी एल टू क्या है एक सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है नेक्स्ट है एल्यूमिनियम प्लस एच सी एल इट गिव्स ए एल सी एल थ्री इट मीन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस ओके सो इन ऑल दिस रिएक्शन वी हैव यूज द डायल्यूट एच सी एल वी कैन परफॉर्म द सेम अदर रिएक्शन आल्सो लाइक आई कैन गिव यू वन रिएक्शन डू बायर सेल्फ जेडन प्लस एच टू एस अ वट विल द प्रोडक्ट यू हैव टाइड बाई योर सेल्फ द क्वेश्चन इज जिंक जेड एन प्लस एच टू एस फोर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एसिड कई तरह के होते हैं एच सी एल एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है लेकिन एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसको जब हम यूज़ करते हैं इस एसिड को तो उस केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो एच एन ओ थ्री के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दी जाती है ठीक है वहाँ पे एच टू को बन जाता है दोबारा से बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस तो इन केस ऑफ एच एन ओ थ्री स्पेशली कंसंट्रेटेड एच एन ओ थ्री द एच टू गैस कैन नॉट बी प्रोड्यूस बिकॉज एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल मेटल्स की ही अदर दूसरे मेटल से रिएक्शन दो मेटल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे रिएक्शन दिखाई गई है वेन एफ ई आयरन रिएक्ट विथ सी यू एस फोर कॉपर सल्फेट एफ ई एक मेटल है और सी यू एस फोर कॉपर का सोल्यूशन है मेटल का सोल्यूशन दूसरे मेटल का सोल्यूशन अब इस रिएक्शन में क्या होगा एफ ई इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो सोल्यूशन तो बन जाएगा एफ Fe ई का एफ ई एस फोर और कॉपर जो है अलग हो जाएगा ठीक है तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है जो हाई रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव को हटा देगा वहां से जिस बच्चे जो ज्यादा स्ट्रांग है वो less, जो वीक को हटा देगा ठीक है डिस्प्लेस कर देगा दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज कि हाउ कैन वी आइडिया हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव है मीडियम रिएक्टिव है फॉर दिस वी हैव टू स्टडी द रिएक्टिविटी सीरीज सो रिएक्टिविटी सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसे ऊपर रखा जाता है इस रिएक्टिविटी सीरीज में और जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसे नीचे रखा जाता है डाउन लेवल पर आता है ठीक है तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द मेटल्स आर अरेन्ज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हेयर द फर्स्ट मेटल इज पोटेशियम सेकेंड इज सोडियम एन ए थर्ड कैल्शियम फोर्थ मैग्नीशियम फिफ्थ एल्यूमिनियम सिक्स झिंक देन एफ ई आयरन देन पी बी लेड देन हाइड्रोजन देन कॉपर देन मर्करी एच जी एंड देन ए जी सिल्वर देन ए यू गोल्ड नीचे लिखा हुआ है लीस रिएक्टिव ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट रिएक्टिव इट मीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सोडियम पोटेशियम एंड द लीस रिएक्टिव मेटल्स आर सिल्वर एंड गोल्ड अब इस रिएक्टिव सीरीज को लर्न करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है एक सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर अब लर्न करवाऊंगी ठीक है जस्ट प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इस बार जो मैं आगे, आगे आपको एक टॉप एक चीज से एक, एक नेक्स्ट स्क्रीन से इसका इजी तरीका समझाऊंगी यहाँ पर देखिए मैंने सब एलिमेंट्स को रख दिया है मेटल्स को और उनकी आगे एक नाम लिख दिया एक सेंटेंस आपको याद रखना है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों और इस जब सेंटेंस को हम रट लेंगे तो हम इन सारे एलिमेंट्स याद कर पाएंगे ऐसे के केदार से याद रखिए के पोटेशियम नाच से याद रखेंगे एन सोडियम का से याद रखेंगे कैल्शियम और माली से याद रखेंगे एम मैग्नीशियम आलू मतलब आलू के याद रखेंगे एल्यूमिनियम से और जरा को जिंक जड एन फीके को एफ ई आयरन देन पकाता है पकाता हो गया पी बी है पी बी एच हाइड्रोजन और क्यों के लिए एक स्कॉपर ठीक है तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को याद कर लेंगे तो हमें पूरी रिएक्टिविटी सीटी सीरीज ऊपर से नीचे तक याद हो जाएगी टॉप टू बॉटम केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों अब जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ले ले प्लीज़ इससे और इसको एज इट इज अपनी नोटबुक में भी लिख लेना ले ले ले, केमिस्ट्री रजिस्टर में से आप इसको ईजीली डर्न कर पाएंगे ओके अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स दैट इज रिगार्डिंग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास

Have a nice day. Bye bye.